जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे क्लास 9 से, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस आपको गिवन होंगे, उन मैट्रिसेस में से आपने आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज यूनिट, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिसेस। सो आइडेंटिफाई करने के लिए आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस क्या हैं और उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहला मैट्रिक्स जो हमें गिवन है दैट इज ए, विच इज इक्वल टू 0, 0, 0 एंड 0। इसकी सारी जो वैल्यूज हैं वो हैं 0। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि कौन से मैट्रिक्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ में ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये 0 होती हैं, तो हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स है। सो अगर हम प्रीवियस लेक्चर आप देखना चाहें तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया गया है कि डेफिनेशंस के थ्रू। तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिस भी मैट्रिक्स की सारी वैल्यू 0 हो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स को, यू नो के नल इज़ लाइक 0, तो इसको नल और 0 मैट्रिक्स दोनों कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट मैट्रिक्स गिवन है दैट इज पी, और इसकी वैल्यूज हैं 2, 3 एंड 4। अब अगर हम डेफिनेशंस के रेफरेंस से देखें तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है ये जिसको हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आप ये देखें कि सबसे पहले तो इसकी सारी वैल्यू जो है ये नॉन ज़ीरो हैं, और इसकी रोज जो हैं वो 1 है, एक रो है, और देर आर 3 कॉलम्स, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 कॉलम्स हैं। सो कॉलम्स हो गए मोर देन 1 और रो ओनली 1 है, तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज़ रो मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज हमने पहले पढ़ रखा है कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ओनली वन रो होती है। क्या? सिर्फ और सिर्फ ओनली वन रो होती है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, जी, नेक्स्ट मैट्रिक्स जो हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू सी, एंड इट्स वैल्यू इज 4, 0, 6। जैसे कि रो मैट्रिक्स में हमने देखा कि सारी वैल्यूज जो थी वो नॉन ज़ीरो थी, इसमें भी ये वाली वैल्यू सिर्फ 0 है, बाकी सारी दोनों नॉन ज़ीरो हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर रोज कितनी हैं। तो हम देखें तो इसकी रोज हैं रो 1, रो 2 एंड रो 3, 3 रोज हैं एंड ओनली 1 कॉलम। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 ओनली, दैट हैज़ ओनली 1 कॉलम, सो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। आई होप ये अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है दैट इज डी, और इसकी वैल्यूज़ हैं 1, 0, 0 एंड 1। प्रीवियस लेक्चर में जिस तरह हमने पढ़ा है कि अगर डायगनल के ऊपर 1 हो, यहाँ भी 1 हो, यहाँ भी 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी वर्ड जो है दैट इज़ टेकन फ्रॉम द 1, सो दैट्स वाई इसकी आइडेंटिटी डायगनल पे 1 और 1 है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। ये देखिए, ये इसका है डायगनल, ठीक है, डायगनल पे 1 एंड 1 है, तो हम इसको कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है ई, और ई की वैल्यू है 0। अब यहाँ भी देखिए कि हमारे पास सारी इसकी एक ही वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है 0, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे, नल मैट्रिक्स। बिकॉज हम पीछे ये पढ़ चुके हैं कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होता है नल जिसकी सारी वैल्यूज़ 0 होती हैं।
इसके अलावा इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो ऐसा मैट्रिक्स इसकी वैल्यू सिर्फ एक ही हो, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। सो ये यूनिट मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ एफ, और इसकी वैल्यूज़ हैं 5, 6 एंड 7। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसकी 3 रोज़ हैं, रो 1, रो 2 एंड रो 3, और एक कॉलम है। सो दैट्स वाई, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन कॉलम, सो इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स।